नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड योजना अब काफ़ी जो सरकारी योजना है तो ई श्रम कार्ड की जरूरत, इस योजना में अगर आपका आपको लाभ लेना है तो ई श्रम कार्ड की जरूरत पड़ती है। ई श्रम कार्ड का फायदा क्या है, ई श्रम कार्ड का क्राइटेरिया क्या है, कौन ई श्रम कार्ड निकलवा सकते हैं, कौन नहीं निकलवा सकते हैं, वो सभी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इतनी बातें जानेंगे। सबसे पहले ई श्रम कार्ड के बारे में जानेंगे, ई श्रम लेबर का पोर्टल, ई श्रम कार्ड के लाभ क्या क्या आपको मिलेगा, ई श्रम कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होना चाहिए, आवेदन करना है तो इसके लिए शुल्क होना है या तो नहीं है, ई श्रम कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता और ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें। तो इतनी सारी बातें हम इस यही वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले, भारत में 30 करोड़ से अधिक असंगठित है। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए और सभी श्रमिकों का डेटाबेस एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि सरकार कोई भी अगर सहायता ऐसे लोगों के लिए सीधे मदद कर सके, जैसे कि रोज़गार अगर देना है तो रोज़गार दे सके, सहायता कुछ देना है तो इसके खाते में डायरेक्ट सहायता इसको मिल सके, और बीमा योजना आदि वगैरह वगैरह सरकार अगर देना चाहती है तो इन लोगों को मिलेगी। ई लेबर कार्ड के फायदे क्या है, तो भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामदारों और श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की है और अभी शुरू भी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में कई श्रमिक योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए सरकार ने ऐसे लोगों को एक पोर्टल पर लाना चाहती है कि दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाए, स्थायी विकलांगता की स्थिति में आपको एक वर्ष के लिए 2 लाख की सहायता मिलेगी, जिसमें आपको कोई भी ग्रेजुएटी नहीं देनी होगी। एक वर्ष के लिए आंशिक विकलांगता की स्थिति अगर हो तो 1 लाख रुपये की सहायता आपको मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ मिलेंगे आपको, अधिक नौकरी के अवसर मिलेंगे, 1 वर्ष के लिए प्रीमियम तरंग मिलेंगे, भीम योजना के तहत बीमा कवर आपको मिलेंगी और प्रवासी श्रमिकों के कर्मचारियों को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सभी फायदे ई श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो आपको मिल सकता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक किसे कहते हैं, तो छोटे मोटे सभी लोगों को कहते हैं। यहाँ मैं आपको नाम लिख के बताता हूँ कि छोटे और श्रीमंत किसान भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं, कृषि श्रमिक मतलब कि मजदूर, मछुआरे मच्छी का जो धंधा करता है तो वही लोगों असंगठित है, पशुपालन में शामिल लोग, चमड़े का काम करने वाले लोग और नमक का मजदूर है तो वो लोग, कृषि बढ़ई राजमिस्त्री लकड़ी का काम करने वाला या तो पत्थर बनाने वाला या तो उठाने वाला, आंगनवाड़ी में अगर आप कार्यकर हो तो वो भी इसमें शामिल आ जाता है, वायरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पम्बलर, कूली, मोची, दर्जी, माली, बीड़ी बनाने वाला श्रमिक, फेरिया, रसोईया और उसके अलावा ईंट भट्ठों और पत्थर खदानों के काम करने वाले श्रमिक, मिल मजदूर और रास्ते में काम करने वाले मजदूर। अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन इसमें अर्जी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड कौन ले सकते हैं। तो कृषि बढ़ई, राजमिस्त्री लकड़ी या पत्थर बनाने वाला या तो उठाने वाला, ये सभी जो मैंने अभी आपको बताया था, ये सभी इसमें अर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान, सफाईकर्मी, ड्राइवर, गृह उद्योग, लोहार, नाई का काम करने वाला है, अगर आप ब्यूटी पार्लर चला रहे हो तो वो भी आप भी ई श्रम कार्ड करवा सकते हो, आशा कार्यकर्ता, कुम्हार, अनुष्ठानकर्ता, मछुआरे, चित्रकार, अगरिया, सफाईकर्मी, कूली, मजदूरी करने वाले और रिक्शा चालक, तो ये सभी लोग ई श्रम कार्ड में लाभ ले सकता है, ई श्रम कार्ड कटवा सकते हो। अब ई श्रम कार्ड कौन नहीं बनवा सकता, वो समझने जैसी बात है दोस्तों। संगठित क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक को इसमें नियमित वेतन मिलता हो, जिसको नियमित वेतन मिलता हो, जिसका पीएफ कटता हो, लंबी मजदूरी और अन्य लाभ मिलता हो, निजी नौकरी अगर प्राइवेट नौकरी करते हो आपका पीएफ कटता हो, या तो बीमा मतलब चिकित्सा बीमा आपको मिलता हो, तो इन लोगों को ई श्रम कार्ड का लाभ नहीं मिल सकता। ई श्रम पंजीकरण के बाद पोर्टल के अंतर्गत विभिन्न योजना भी चल रही है, अभी गवर्नमेंट चला रही है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना,
जिस पे आपको हर साल 28 प्रकार की किट आपको मिलती है और फ्री में मिलती है धंधा करने के लिए। तो सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना में भी अभी ई श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसमें भी अप्लाई अब नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का 50% हिस्सा लाभार्थी के पति या पत्नी को दिया जाता है। ई श्रम कार्ड के मापदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है? इसमें सबसे पहले तो कोई भी शुल्क नहीं, आप फ्री में ई श्रम कार्ड अपने मोबाइल से ही 5-10 मिनट के अंदर ही आप बनवा सकते हो। वो वीडियो भी आपको लास्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपके आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आयकर दाता होना नहीं चाहिए, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। मतलब कि जो पहले बताया वही सभी लोग इसमें फॉर्म भरवा सकते हो, मतलब ई श्रम कार्ड कटवा सकते हो। आवश्यक दस्तावेज में कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बैंक के खाते का विवरण, मतलब कि बैंक का खाता आपका अकाउंट होना जरूरी है। ई लेबर कार्ड कैसे बनवाए, मोबाइल से भी बनवा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि सबके पास लैपटॉप नहीं होता है दोस्तों। अगर आप साइबर कैफे में जाओ तो आपके पास से 200-300-400 रुपये ले लेंगे, लेकिन आपको 200-300-400 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो यहाँ ये वीडियो मैंने रख दिए, यहाँ से आप क्लिक करोगे आप तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और कैसे बनाया जाता है वो पूरी प्रोसेस मैंने मोबाइल से आपको बताई, तो वीडियो आप देख सकते हो। इस वेबसाइट, सबसे पहले आपको ई श्रम की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद यह रजिस्ट्रेशन करना है और पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी है, एक भी मिस्टेक के बगैर। तो आप मोबाइल से ही आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो दोस्तों। अगर इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हो, ज़रूर से आप मोबाइल से ई श्रम कार्ड बनवा दीजिए, आपको भी लाभ मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।